नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल ऑल न्यू रेसिपी में। आज मैं लेके आई हूँ साबूदाना वड़ा रेसिपी। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। साबूदाना जो मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखे थे, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। हरी धनिया बारीक कटा हुआ, मूंगफली के दाने जो मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए थे उसे भी बारीक काट लिया है, उबले हुए आलू, नमक, नींबू का रस, शक्कर, हरी मिर्च की पेस्ट, अदरक की पेस्ट और तेल तलने के लिए। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो एक बाउल लीजिए, बाउल में सबसे पहले उबले हुए आलू डालिए और आलू को अच्छे से मसल दें। एक भी छोटना नहीं चाहिए, पूरी तरह से सॉफ्ट न हो जाए तब तक हम ऐसे ही हाथ चलाते रहेंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये पूरी तरह से मैंने सॉफ्ट कर लिया है। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी मूँगफली के दाने जो मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है, हरी मिर्च की पेस्ट, अदरक की पेस्ट। हरी मिर्च आप 6-7 ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 6-7 लिए हैं। हरी धनिया, नींबू का रस, यहाँ पे मैंने 1 ही नींबू लिया था, आप भी 1 ही लीजिए। और शक्कर आप 1 चम्मच जितना ही डालिए। और हम डालेंगे साबूदाना और उसमें नमक। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अब हम इसे अच्छे से मसल देंगे। पूरी तरह से सब एक रस हो जाए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, वरना सबके स्वाद थोड़े से अलग हो जाएंगे। इसीलिए हमें 5-7 मिनट तक ऐसे ही हाथ चलाते रहना है। ये बनाने में थोड़ी तो मेहनत लगती है, पर ये रेसिपी बना के खाओगे तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप अपने फैमिली मेंबर या मेहमान को भी ये रेसिपी खिलाओगे तो एक बार खिलाने से वो दोबारा पक्का आपको बोलेंगे ये रेसिपी बनाने को। और कोई भी उपवास हो या नवरात्रि हो, त्यौहार में भी आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, छोटे बच्चे को तो पक्का पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और उनको भी ये उपवासी वड़े बनाना सिखाइए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे मैं राउंड शेप में ले लूँगी। अच्छे से दोनों हाथ से इसे पहले मसल लेंगे हम और अच्छे से एक शेप दे देंगे। और सारे वड़े को एक ही शेप में आप रखिए, आप ऐसे ही हथेली पे रख के शेप दे दीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया है। और इसकी चटनी के बारे में मैं शायद इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि चटनी के बारे में बताऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इसकी चटनी के बारे में।
तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे गरम तेल में तल देंगे। तो हमारा तेल है गरम हो गया है। अब इसमें हम एक एक कर करके जितने आए उतने रख के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट कर इसे तल देंगे। इसे डायरेक्ट नहीं तलना है, थोड़ी देर के लिए इसे रखना है, फिर बाद में ही इसे आप पलट देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो हल्का हल्का ब्राउन कलर आया है। इसमें कारण कैसे बता दे, क्योंकि इसमें कारण मोटी मोटी तो नहीं इसका बता दे। हाँ तो ये तो कारण नहीं, तो मैं बताऊँ उसको खाली कारण बना दे, चार चार कारण कर। हाँ बस ये कारण भैया कर दे, चार चार। हाँ बस ये वाले लाया हूँ। तर 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 हाँ पछवाता है। आवाज चंद मिनट कर जाना, पहले मिनट अंदर जाओ, मिनट कर जाना आवाज। हम तुझे बोला नहीं इसे रखना। ये हमारी साबूदाना वड़ा रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हमने ये बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाए हैं। इसे हम चाय या चटनी के साथ खा सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ चटनी कैसे बनाई जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। अरे एक भी नहीं आ रहा।